नमस्कार प्यारे युवा साथियों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने YouTube चैनल एग्री ट्यूटोरियल में। मैं आपका अपना दोस्त मोहन सोडा लगातार आपके लिए प्रयास करता रहता हूं। आज जो है अपन एक जो है क्रॉप्स को आज अपन खत्म करने जा रहे हैं। एग्रोनॉमी का समथिंग 90% पोर्शन है वो कंप्लीट होने को आया है। आज जो है वो अपना जो टॉपिक है दोस्तों वो है मक्का पार्ट 3। कौन सा दोस्तों? मक्का पार्ट 3। यानी कि इससे पहले मैं दो वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं अपने मेज के, उसको एक बार आप ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों को नहीं देखोगे, ये तो सबसे पिछला पोर्शन है, समथिंग 5 से 7 मिनट का टॉपिक बच रखा है। आपको लगता है कि बड़े बड़े पोर्शनों में ना देखकर क्लासों को छोटी व्यवस्थित तरीके से देखें, उसी प्रकार मैंने भी आपके लिए प्रयास किया है। आज के बाद जो है अपनी क्रॉप जो हैं एग्रोनॉमी की जितनी भी क्रॉप हैं वो ख़त्म होने के आई है, चाहे वो तिलहनी हो, चाहे वो अनाज वाली हो, चाहे वो दालें हो, सभी की सभी आज जो है वो अपन ख़त्म करेंगे। और अगर एक आध कोई मेजर टॉपिक बच रहा है एग्रोनॉमी का वो ले लेंगे। इसमें से मेजर टॉपिक में समथिंग 2 टॉपिक बच रहे हैं, एक तो है अपना इरीगेशन यानी कि सिंचाई और एक बच रहा है वीड। उनमें से कल जो है वो शायद मैं इरीगेशन या वीड को स्टार्ट करूँगा। आप ज़रूर अपने जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को आगे अपने फ्रेंडों को फ्रेंड्स जो हैं उनको शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर चुके थे इसका बोटनिकल क्लासिफिकेशन, फिर इसका क्लासिफिकेशन खुद था कि इसमें जो 7 प्रकार के मेज हैं उसके बारे में, उसके बाद क्लाइमेट वगैरह ये सब चीज़ें, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ हो गया था। उन वीडियोज़ को आप देखना चाहते हो तो उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तुरंत मिल जाएगा। अब जो है दोस्तों वो है रोग, यानी कि आपका जो मक्का है, मक्का के अंतर्गत कौन कौन से मुख्यतः रोग लगते हैं उसको आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे जो मैं पहला बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है तुलाशिता रोग, हिंदी में बोलते हैं, और डायनी मिल्ड्यू जो रोग है वो अपने इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनी मिल्ड्यू कहते हैं। ये किसके द्वारा होता है? ये हर किसी को याद नहीं रहता, किसी को भी याद नहीं रहता। अपने को तो क्या करना है, वहाँ पे ऑप्शन अपने को देखने को मिलेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले होता तो कवक से है, वो कवक फफूंद या फिर जीवाणु विषाणु इस हिसाब से नहीं पूछता, वो क्या करता है सीधा का सीधा जो है किस कवक के द्वारा होता है वो आपसे पूछता है। तो अपने को किस हिसाब से अपन याद करें, छोटी सी सिंपल सी ट्रिक है, अजंता मेडिस का नाम सुना है क्या? श्रीलंका का एक क्रिकेट का बहुत ही बढ़िया प्लेयर है अजंता मेडिस, यानी कि मेडिस मक्का मेडिस, बस इस हिसाब से आप बिठा लो कि जो डायनी मिल्ड्यू जो रोग है वो अजंता मेडिस के द्वारा ही फैलता है। आगे वाला पोर्शन अपने को छोड़ देना है, क्यों? क्योंकि ना ये पीछे वाले कभी जाति जो है ये कभी चेंज नहीं होती, ये फिक्स रहता है। अगर आप मेडिस याद करते हो तो आपका क्लियर है ना। तो ये जो रोग है ये किसके द्वारा होता है? पेरेनोस्पोरेलेज मेडिस के द्वारा ये रोग फैलाया जाता है। ओके, नंबर सेकेंड, मक्का का सफ़ेद कली का, हर एक बच्चा एग्रीकल्चर का कोने कोने में सबको पता है कि मक्का का सफ़ेद कली का किसके द्वारा होता है? जिंक के द्वारा। अगर आपको मक्का के जिंक के जो रोग हैं वो याद नहीं होते, तो अपने जब पोषक तत्व तो पढ़े थे तब मैंने आपको जिंक पढ़ाया था, तब मैंने एक ट्रिक लिखाई थी कि मामा ने जग मंदिर में गप्पे लड़ाई, ऐसा कुछ ट्रिक था, तो उसको आप जरूर याद करें। जई का ग्रे स्पेक, गन्ने का फाला दुलसा, ऐसे कुछ हमने ट्रिक बताई थी, और मक्का का सफ़ेद कली का ये बताई थी सब चीज़ें मैंने। तो जो है ये किसकी कमी से होता है दोस्तों? ये जिंक की कमी से होता है। मान लो जिंक की कमी हो रही है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 का प्रयोग करेंगे। कितना करेंगे? तो 20 से लेके 25 केजी प्रति हेक्टेयर। मान लो वहाँ पे 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर आपको ना मिलता है, तो आप उसके उसकी जगह आपको और क्या मिल सकता है? 0.5% अपन क्या कर सकते हैं, इसका घोल बनाकर प्रयोग में ले सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं मक्के के भुट्टे में बांझपन, यानी कि जो मक्का जो होता है उसका जो भुट्टा होता है ऊपर वाला पोर्शन वो क्या रहता जाता है? बांझ रह जाता है, यानी कि उसमें कुछ नहीं बनता। तो ये किसकी वजह से होता है? ये मुख्यतः बोरोन की वजह से होता है, इसको अपन इंग्लिश में बेरन क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका उपचार जो है वो 0.5% अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं? बोरेक्स का छिड़काव करके इससे जो है अपन छुटकारा पा सकते हैं। ये भी रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मक्के के भुट्टे में बांझपन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिंचाई पढ़ा है तो वहाँ पर भी आपने ये चीज़ों को देखा होगा। उसके बाद जो है कीट, यानी कि ये जो 3 है, डायनी मिल्ड्यू, मक्का का सफ़ेद कली का और मक्का के भुट्टे में जो बांझपन है, ये तीनों के तीनों रोग इंपॉर्टेंट हैं। मेडिस के हिसाब से याद कर सकते हो, मक्का का सफ़ेद कली का हर एक किसी को पता है, जिंक की कमी से होता है, और मक्के के भुट्टे में बांझपन, बांझपन से बेरन क्रॉप, अब से बोरोन,
ठीक है, ये इसकी कमी से होता है। उसके बाद मैं बात करूं इंसेक्ट की, यानी कि कौन कौन सी जो कीट हैं वो आपके मेज के अंतर्गत लगते हैं, तो सबसे जो पहला है वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपके तना छिदक। जितने भी C4 प्लांट है दोस्तों, उन सब में C4 प्लांट जितने भी हैं, जिसमें मैं बात करूं मक्का है, गन्ना है, आपके ज्वार है, बाजरा है, ये सब जो है C4 प्लांट है, उसमें मुख्यतः कीट जो है तना जो छिदक है, है ना, स्टेम बोरर जो है, इसका प्रकोप अधिक रहता है। ये दोस्तों करता क्या है, ये क्या करता है, तने के अंतर्गत घुस जाता है और ये क्या करता है, जो जाइलम और फ्लोएम जो उत्तक होते हैं उनको क्या करता है, नष्ट कर देता है, जिससे जो है पौधा आसानी से भोजन नहीं ले पाता, जिसके कारण पौधे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्या है, तना छेदक। ठीक है, इसकी जो मुख्य अवस्था होती है, लार्वा अवस्था जो होती है, आपने पढ़ी होगी अवस्थाएं, लार्वा, प्यूपा, वयस्क, अंडा, तो इसमें जो लार्वा अवस्था होती है वो सबसे हानिकारक होती है, यानी कि तना छेदक की जो लार्वा अवस्था होती है वो सबसे हानिकारक अवस्था होती है। इसके द्वारा आपके जो मेज है इसमें डेड हर्ट नामक समस्या हो जाती है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम को ये काट के नष्ट कर देता है, जिससे जो है भोजन आगे स्थानांतरित नहीं हो पाता, इसके कारण डेड हर्ट नामक समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए अपन क्या क्या चीज़ें उपयोग में लाकर इससे बचाव कर सकते हैं, तो सर्वांगी कीटनाशी जो है उसका अपन प्रयोग करके इसको नष्ट कर सकते हैं। और आप जानते ही हो जो सर्वांगी जो कीटनाशी हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आपको सबसे पहले डाइमिथोएट, इमेरा क्लोरोपिड और मेटासिस्टोक्स, हर एक में यही चलता है पोर्शन, ठीक है ना, तो ये तीनों के तीनों जो हैं आपको याद करने हैं। उसके बाद तना मक्खी है, दीमक है और टिड्डा है। ठीक है, टिड्डा जो है, दीमक के बारे में अपन बात कर चुके हैं गेहूं के अंतर्गत, और टिड्डा आप लोग जानते हो, इसमें इतना कुछ खास बात है नहीं। ये जो तना मक्खी है ये भी आपको याद करनी है। ओके दोस्तों, उसके बाद जो है वेराइटीज, तीसरा जो अपना मेन पोर्शन बचता है, अगर आपने मक्का की वेराइटीज को जो है ढीले में ले लिया तो आप कहीं ना कहीं घाटा खा जाओगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले हाइब्रिड की, यानी कि कुछ जो वेराइटी है वो हाइब्रिड है, संकर है, और कुछ जो है वो क्या है, संकुल वेराइटीज है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं आपके संकर की, तो संकर में आपको क्या करना है, सबसे पहले गंगा जो है वो आपके मक्का की है। जितनी भी गंगा जहां कहीं पर भी आपको नाम मिले, तो आंखें बंद करके गंगा जहां कर कहीं पर भी मिले आपको मक्का करके आना है। तो जो सबसे पहले गंगा फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट निकलेगी गंगा फर्स्ट, ये आपके 1961 के अंतर्गत निकाली गई थी और मक्का की प्रथम हाइब्रिड वैरायटी थी। अगर आपसे पूछ ले कि मक्का की प्रथम हाइब्रिड वैरायटी कौन सी थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गंगा फर्स्ट। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो गंगा सफेद, रणजीत, गंगा 11, ढक्कन 103, संगम, हाई स्टार्च, गंगा 3/5, हिम 123 और BL54। ये जो वैरायटी है दोस्तों, ये क्या है, संकर वैरायटी है। वापिस बता दूं, गंगा फर्स्ट, उसके बाद गंगा सफेद, रणजीत, गंगा 11, ढक्कन 103, संगम, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं हाई स्टार्च, गंगा 35, हिम 123, BL54। ये वैरायटी संकर वैरायटी है, संकर वैरायटियों को आपको रटना ही पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं संकुल की, संकुल में सबसे पहले विजय वैरायटी है जो आपको याद करनी है। उसके बाद एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको फॉलो करते हुए चलना है कि नवजोत सिंह सिद्धू, जानते हो ना, नवजोत ने विक्रम व धवल के साथ मजाक किया। धवल के हिसाब से आप धवन भी कह सकते हो, वो भी क्रिकेट जगत से हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू वो भी क्रिकेट जगत से हैं, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू ने विक्रम व धवल के साथ मजाक किया। तो सबसे पहले जो है वो अपनी नवजोत वैरायटी किसकी है, मक्का की संकुल वैरायटी है। विक्रम किसकी है, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, मक्का की है। उसके बाद माही धवल, यहाँ पे धवल नहीं है, माही धवल याद करना, माही कंचन और माही धवल दो ही वैरायटी हैं, दो ही जो हैं, माही का मतलब नाम आ गया धोनी का, धोनी भी इससे संबंधित है, माही धवल। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं मजाक, MAJK, ठीक है, माही कंचन वापिस आ रहा है ना, माही कंचन, तो ये वैरायटी किसकी है, ये भी आपकी मक्का की है। जैसे क्या हो गया, ज्वार याद करना, ज्वार जो वैरायटी है ये भी किसकी है, आपके मक्का की है। फिर अंबर ए से क्या हो गया, अंबर, ये भी वैरायटी किसकी है, मक्का की है। के से क्या हो गया, किसान, देखिए दोस्तों पूसा किसान जो है वो अलग वैरायटी है, सरसों की है, जिसे अपन बायो 902 के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जो किसान वैरायटी है वो दोस्तों आपकी मक्का की है। और अरुण और प्रताप में कंफ्यूज मत होना, प्रताप 50 जो है वो शायद तिल की है, और यहाँ पे ओनली प्रताप है, ये क्या है, मक्के की है। ठीक है, किरण और किसान। ओके,
उस एक आप और याद कर लेना, सोना, ये भी वैरायटी इसकी है। सोनालिका नहीं है, सोनालिका गेहूं की है, सोना इसकी वैरायटी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्वालिटी प्रोटीन मेज QPM, ये जो है इसमें क्या होता है लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की जो है वो अधिकता होती है। और 1857 के अंतर्गत एक कार्यक्रम चला था, 1857 के अंतर्गत एक कार्यक्रम चला था जिसमें क्या है मक्का जो है इसमें क्या है नॉर्मल मक्का को QPM मक्का में चेंज करना था। समन्वित कार्यक्रम चला था 1857 के अंतर्गत, जिसमें ICAR के द्वारा 1961 में डेकन है, रंजीत है, इन वेराइटियों को डेवलप किया गया था आपके QPM मक्का को बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको याद करना, जो QPM मक्का है उसमें मुख्यतया रत्ना, प्रोटीना, ठीक है, और शक्ति फर्स्ट और शक्तिमान भी मिल जाता है, शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकेंड। ये वेराइटी किसकी दोस्तों? आपके QPM मक्का की है। ओके, उसके बाद अफ्रीकन टार, अफ्रीकन टार, अफ्रीकन टार दो तीन बार बोलोगे तब याद रह जाएगी। अफ्रीकन टार, टार से हो गया चारा, चारे के लिए जो है उपयोग में ली जाती है वो कौन सी है दोस्तों? अफ्रीकन टार। और जो मीठी मक्का है, यानी कि कुछ जो मक्का है उसमें मीठापन पाया जाता है, वो किसकी वजह से होता है? आप लोग जानते हो स्टार्च की वजह से होता है, ठीक है। इसकी जो वैरायटी है वो है सुगर, पिचहत्तर और माधुरी। माधुरी दीक्षित जो है वो भी मीठी है, और सुगर तो नाम से ही पता चल रहा है मीठी ही होगी। ओके, अब जो है कुछ जनरल पॉइंट है जो आपको बताने हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक रबी की मक्का होती है, आप लोग जानते हो ये DNP पौधा है, किसी भी ऋतु में लिया जा सकता है, यानी कि इसके ऊपर प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ना, कोई प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसको अपन खरीफ में भी उगाते हैं, रबी में भी उगाते हैं, ठीक है। जनरली इसको खरीफ में उगाया जाता है, लेकिन इंडिया में जो आपका पूर्वी भारत है उसमें मुख्यतया बात करें बिहार की, बिहार में जो मक्का है ये रबी की सीजन में ली जाती है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला जो है वो मुख्यतया है ना, और मक्का सर्वाधिक जो है उधर ही उगाई जाती है दक्षिण साइड में। तो आप कह सकते हो आपके जो ये मक्का है रबी की मक्का, ये आपके राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में ली जाती है। अगर जिले पूछता है तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, अगर मान लो वो जलवायु भी खंड पूछता है तो फोर्थ बी जलवायु जो खंड है वो आपके रबी की मक्का के लिए उपयुक्त माना जाता है, वहाँ पे इसकी खेती की जाती है। ओके दोस्तों, तो ये तो इसकी नॉर्मल नॉर्मल बातें हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर आप जो हैं अधिक मात्रा में मक्का का प्रयोग कर रहे हो, मक्का का अधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हो, तो जो है अपने को पेलेग्रा जाने की गंजापन हो जाता है अधिक मक्का के प्रयोग से। और अगर मैं बात करूं कुछ जो है हाइब्रिड वैरायटी जो है, यानी कि अपन बात कर रहे थे गंगा फर्स्ट, गंगा सफेद, रणजीत वगैरह इन सब की, तो कुछ जो वैरायटी दोस्तों है वो पीले कलर की होती है। आपने देखी होगी जनरली जो मक्का होती है वो पीले कलर की होती है। तो जो अगर मैं आपसे मुख्यतया बात करूं दोस्तों कि जो संकर वैरायटी है उसमें पीले कलर की कौन कौन सी है, हो सकता है कि आपके पेपर में अभी और पूछ ले, तो आपको नोट जरूर करना है, नीचे लिखना पीले रंग की संकर किस्में जिसमें गंगा 3, गंगा 5, हिम 123, BL54, ये जो दोस्तों वैरायटी है ये आपके संकर मक्का की पीली वैरायटी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सफेद की, तो एक तो आपके हाई स्टार्च और एक तो है गंगा सफेद, ये जो वैरायटी है दोस्तों आपके जो है सफेद मक्का की है, और एक गंगा 4 भी इसमें शामिल है। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूं जितनी भी क्रॉप्स हैं उन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको हर एक तरीके से फायदा मिलेगा। सबसे टफ जो टॉपिक रहता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में वो एग्रोनॉमी ही रहता है। और मैं बोल रहा हूं आपको 90% यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट में एग्रोनॉमी अवेलेबल है, इसमें इतना ही पोर्शन डाला गया है, आपने को हाई लेवल की तैयारी नहीं करनी है। अगर आप इन वीडियोज को देख रहे हो तो जो है, अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो आराम से ये वीडियो आपके लिए जो है वो यूजफुल होने वाली हैं। चाहे आप किसी भी संस्थान के पेपर को उठा के देख लेना, या फिर अगर आपने कहीं पर टेस्ट भी ज्वाइन कर रखी है वहाँ पे भी आप इन क्वेश्चनों को वहाँ पे कर सकते हो, ये मेरी जो है आपसे मेरा दावा है, मेरी गारंटी है। ओके दोस्तों, अगर वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो एक बार चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा समथिंग एक मेजर क्रॉप के ऊपर रहेगा, उसके बाद अपन हॉर्टिकल्चर, मेजर क्रॉप के मेजर टॉपिक के ऊपर ही रहेगा नेक्स्ट जो है, फिर अपन पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर को या फिर एनिमल हस्बेंड्री को। ओके, थैंक यू वेरी मच।